हमारे प्यारे जुगाड़ू मैगी जी, आपके नाम बहुत प्यारा है। जुगाड़ू मैगी जी, स्वागत है आपको मेरे चैनल लाइक में दे। हेलो, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जो भी लोग नए व्यूवर्स हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ स्ट्रीम को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सुहेल भाई, मेरी आवाज आ रही है ना ठीक बिल्कुल आ रही है। इनको ठीक आ रही जल्दी है है क्या? जी। जुगाड़ो मैगी जी को थोड़ा जल्दी है क्या? जी, एक्चुअली मेरा लॉग इन टाइम है अभी, तो अभी यहाँ जहाँ मैं कर रहता हूँ, दीजिए। यहाँ अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, तो जी अभी तो मैं जल्दी जल्दी 3 मिनट में बता देता हूँ। पहले जी तो आपके सारे श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। तो मेरी एक कजन सिस्टर है, हम लोग साथ में बड़े हुए हैं और हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे, और प्लस वो बहुत ही सिंगिंग वगैरह में बहुत अच्छी थी। काफी डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन वगैरह उसने जीता था। इंदिरा, हाँ बोलिए बोलिए आपको। नहीं अच्छा, सॉरी। तो उसने काफी डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल कंपटीशन वगैरह जीता। इवन उसने बॉलीवुड में 2-3 गाने गाए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 2000s में। तो मैं 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए बाहर चला गया, और मेरी सिस्टर भी बाहर गई, बट उसने ग्रेजुएशन नहीं करी। वो रियलिटी शोज वगैरह में पार्ट लेती थी। 2-3 रियलिटी शोज में वो आई भी थी। उसका नाम तो मैं पब्लिकली बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जी। और फिर उनका फिर मैं उससे बॉम्बे में थी, वो मैं बॉम्बे मिलने गया अचानक। तो उसने मुझे बोला कि आप बॉम्बे आ जाओ, मैं आपको बांद्रा स्टेशन में मिलूंगी। उसने मुझे एक पता बताया, एक शॉप का नाम, कि आप यहाँ पे खड़े रहो, मैं तुमसे आके मिलूंगी वहां पे। तो मैं वहां गया, तो मैं उससे 2-3 साल बाद मिल रहा था। उसके बीच में फोन वगैरह होती थी, बातें होती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 2000s, 2005-06 की बातें कर रहा हूँ मैं। तो मैं खड़ा था, तो पीछे से आवाज आया कि भाई तू कब से आके खड़ा है यहाँ पे। मैं पीछे घूम के देखा तो शी वॉज इन टोटल बुरका, ऊपर से नीचे तक पूरा, पूरा ठीक है। ब्रेन वॉश तो किया गया था उसकी। मुझे समझा नहीं कुछ। मैं बोला कि साला ये क्या हो गया, मतलब बुरका बोलो तो टोटल, वो आंख में भी ना वो खाली नहीं था, उसमें ना वो नेट टाइप का था, नेट। नेट नेट हाँ, मैंने पहना है, मैं जानती हूँ। तो मैं देखते रह गया, मुझे समझ, तो मुझे लगा कौन है, कोई दूसरी लेडी है क्या? तो मैंने बोला जी किससे बात करनी बता। तो उसने फिर उठाया, मुझे अपना फेस दिखाया, तो फेस देखे तो मेरी तो हालत खराब हो गई, क्योंकि हमारी तो घर में बातचीत होती है, मेरे मौसा जी लगते हैं, तो मैं क्या बात करूं। तो मैं ये क्या है, तो बोलती है तू चल यहाँ से, मैं तुझे बताती हूँ। तो मुझे बगल में रेस्टोरेंट में लेके गई, बैठे अपन कॉफी वॉफी पीना चालू किए। उसने बताया कि मेरे वो हैं, वो कश्मीरी मुस्लिम है, वो भी मेरे साथ गाना गाते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, बढ़िया है, तो फिर तू तेरे ये सब क्यों पहना हुआ है? तो फिर उसने बोला कि यार मतलब उनके वहां पे ऐसे ही है, मैंने तो उनका वो कबूल कर लिया है और हमने शादी भी कर ली है। मैंने बोला घर पे बताया? उसने बोले नहीं, घर पे कौन बताएगा, मम्मी पापा मानेंगे नहीं। तो उसने छुप छुपा के शादी कर ली, उसके फैमिली से आए थे लोग। वो जो लड़का था, वो लड़का भी बॉलीवुड में गाना गा चुका है, अभी भी गाता है कुछ कुछ गाने, ठीक है। तो आप सोचो, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बैकवर्ड सोसाइटी से बिलोंग करता, बंदा अच्छा खासा फैमिली से है, बॉलीवुड वगैरह में कनेक्शन है, तो मतलब पढ़ा लिखा ही होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो ये सब हुआ, तो फिर ठीक है, मैंने फिर उसका फोन नंबर 1-6-7 महीने के बाद उसका फोन नंबर गायब हो गया, फोन ही ना लगे उसका। तो मौसा मौसी मुझे फोन करते थे कि बेटा तुम बॉम्बे बॉम्बे के आसपास में हो, मैं तब पुणे में रहता था। मैं तो उन्होंने मुझे एड्रेस दिया कि एक बार जाके देख लो क्या है, उनको उसका फोन नहीं लग रहा है, तो उनकी तो हालत खराब हो जाएगी, बेटी है उनकी, एकमात्र बेटी है। तो फिर मैं गया, फिर वो एड्रेस में मैं पुणे से बॉम्बे गया, बॉम्बे जाके उससे मिला, मिलने की कोशिश की, घर पे कोई नहीं, दूसरा दूसरा ही एड्रेस है, उसमें तो कोई दूसरा बंदा रहता है, और उन्होंने कभी उनका नाम ही नहीं सुना। खैर, उसके बाद 5-6 साल गुजर गए, मेरी शादी वगैरह हो गई, मैं वहां से कब का पढ़ाई खत्म करके जॉब पे लग गया। मैं फिर अपने शहर में आया, मैं अपनी स्कूटी में घूम रहा था, तो मैं देखता हूँ रास्ते में ना एक 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 लेडी जा रही है, मतलब अजीब सा ही सलवार मिस मैच, ऊपर का कुर्ता का कलर अलग, नीचे का पैंट का कलर अलग, चप्पल भी मतलब पहने नहीं है, पैरों में बाल बिखरे हुए, मतलब वो होते हैं ना रोड में कभी कभी दिख जाते हैं, थोड़े से जो मेंटली थोड़े से जो डिस्टर्ब होते हैं। पागल। तो मैं, हाँ मतलब हाँ, तो
तो मैं फिर स्कूटी जैसे ही उसके बगल से निकाला तो मुझे वो मेरी सिस्टर दिखी। मेरी तो हालत खराब होगी उसको देख के। मैंने रास्ता रुका, मैंने बोला क्या कर रही है यहाँ पे, मतलब शी वॉज लुकिंग एट मी, लेकिन उसका वो एक ब्लैंक एक्सप्रेशन होता ना कि मतलब पहचान में भी आ रहा नहीं आ रहा उस टाइप का। तो यार मेरी तो हालत खराब होगी, मैंने बोला तू बैठ मेरे गाड़ी में, तुझे घर छोड़ता हूँ। तो मैं उसे लेके गया उसको घर। तो उसके फादर थे, उसकी मम्मी कुछ साल पहले, एक दो साल पहले उनका देहांत हो गया था। तो उसके फादर बोले यार मैं तो खोज रहा था, मैं सब तो अच्छा हुआ तू लेके आ गया। मैंने बोला हुआ क्या अंकल, बताओ मेरे को मौसा हुआ क्या। तो कहानी इस प्रकार हुई कि अभी ये लोग जो होते हैं, जो बॉलीवुड में सिंगर वगैरह होते हैं, इनका मेन कमाई होता है फंक्शन से। ये फंक्शन वगैरह करते हैं, बाहर जाके शोज वगैरह करते हैं, वहां पे अच्छे पैसे मिलते हैं। एज सच मतलब आप जब प्लेबैक सिंगिंग करते हो उसमें ज्यादा पैसे नहीं है। आप अगर कहीं शो वगैरह हुआ तो ये लड़की और वो लड़का कोई बैंड वैंड में थे, ये लोग जाते थे अपना शो वो करते थे, किशोर कुमार लता मंगेशकर वाले गाने अपना करते थे, इसको अच्छा खासा पैसा मिलता था। तो लड़की ने पहले फ्लैट खरीदा अपने पैसों से, बॉम्बे नवी मुंबई में फ्लैट खरीदा लड़की ने। लड़के ने समझा बुझा के उसको फ्लैट उसके अपने नाम पे कर लिया। लड़की रहती थी स्टोर फ्लैट के स्टोर रूम में जहाँ पे आटा चावल, और लड़का अपनी माँ बहन भाप भाई के साथ फ्लैट में कब्जा। उसका आस्ते आस्ते फ्लैट अपने नाम करवा लिया, उसके बैंक के सारे पैसे खत्म हो गए। उसकी मदर जब मरी उसको आने तक नहीं दिया गया कि ये हमारे में हराम है, आप दूसरे रिलीजन के उसमें जान आप शायद पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऐसे कुछ तो है पता नहीं मुझे। तो आस्ते आस्ते ना उसके मेंटल टॉर्चर वगैरह, तुमको गाना नहीं गा सकते हो तुम, ये हराम है ये वो। जब तक पैसे थे तब तक ठीक है, जैसे उसने पैसे छीन लिए इसको इसको खाली कर दिया, देन इट इज ऑल हराम, तुम नहीं गाना नहीं गा सकते हो, तुमको ऐसे ही रहना है पूरा। तो आस्ते आस्ते तो फिर लड़की फिर लड़की किसी तरह वहां से उसके किसी कॉमन फ्रेंड ने उसको वापस वो घर भेजा, कि उसकी मदर तब तक गुजर चुकी थी, 6-7 महीने बाद घर पहुंची। जब तक पहुंचती शी हैड लॉस्ट, उसका पूरा डिप्रेशन जैसा हालत हो गया था। मेरे जो अंकल है उस वो आगरा में एक बहुत फेमस ये है क्या बोलते हैं पागल खाना बोला जा सकता है, मतलब नॉट टू साउंड क्रास, उसमें 6 महीने रही थी वो, प्लस वायलेंट हो गई थी, सेल्फ हार्मिंग अपने आप को चोट पहुंचाना, ब्लेड से काट लेना ये वो। भगवान का अभी तो खैर ये है कि शी इज मच बेटर, और अभी वो उसकी शादी हुई अभी 2 साल पहले, अच्छी अभी हो गई है पूरी तरह से। अभी मतलब शी मतलब वो एक होता है ना आपका आंख से स्पार्क चल जाना, उसका आंखों से स्पार्क चला गया। मतलब सोचो कोई जो स्टेज में परफॉर्म करता है या कोई मतलब इस टाइप की एक्टिविटीज में रहता है, उसका वो एक अलग ही एक स्पार्क होता है, वो चला गया। शी इज लॉस्ट इट। मैं लास्ट ईयर इंडिया गया था, मैं उससे मिला था, तो फिर आई कुड फील दैट कि ना वो मतलब शी इज देयर, खाली है, बट वो अंदर से ना मतलब शी इज नॉट कम्प्लीटली रिकवर्ड, जो मुझे लगा, पता नहीं मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो यही है स्टोरी मेरी कजन की। एंड आप जानते नहीं हैं जो वो निब्बी निब्बा होते हैं, जो हमारे प्यारे सनातनी लड़कियां, इनको फंसाया जाता है लव जिहाद की, क्योंकि लड़की मतलब हिंदू सनातन लड़कियों को अगर शादी करेंगे काफिर से, हो ना इस्लाम कबूल करेंगी, तो उनको एक नेकी मिल जाती है, तो जहन्नम जाने सॉरी जन्नत जाने के लिए। तो इसीलिए ये जो करतूत करते हैं कुछ हरामे किस्म के पिल्ले, कुछ नहीं बहुत ज्यादा। और आजकल तो आप मीडिया टीवी आ गए हैं, तो आप लोग जान रहे हो केरला मूवीज इस तरह। मैं तो ऑन ड्यूटी रहती हूँ ना, तो मैं ज्यादा जानती हूँ, मैं बहुत देखा है इस तरह की। मतलब आप सोचिए तब तक मीडिया में होगा तब तक आपके आंखों में रहेगी, मतलब ये सब तो हमें पता भी नहीं था, क्योंकि हम लोग जब बड़े हो रहे थे 2005 ये सब में, मतलब ये हमारे जवानी के दिन थे, तब अपने पास वो नोकिया वाली मोबाइल हुआ करती थी, 3310, मतलब किसी को फेंक के मारो तो मर जाए, उस वो मोबाइल हुआ करता था। जी जी, मैं एक बात बोलूं आपके स्टोरी के ऊपर, जितने भी सारे यहाँ पे स्ट्रीम देख रहे हैं आजकल, तो आप लोगों को अवेयर भी मिल गई है
वाह, आपने जो स्टोरी बोली है मेंटल असाइलम, इस तरह मुझको बहुत दुख भी होती है क्योंकि मेरी भी एक सिस्टर मेंटली रिटार्डेड है। मैं जानती हूँ कि ये एक परमानेंट एक दिल में दुख है, जिस तरह जिस मैं एक दिन मर जाऊंगी तो मेरे सिस्टर को कौन देखेगा, ये वाली सवाल हमेशा खाते रहती है, और मेरे पापा को भी। मतलब हम सब लड़कियां हैं, लड़के नहीं हैं, तो एज अ फादर मेरे पापा को हमेशा ना जिंदा जलाने वाली दिल में खंजर की तरह चुभाने वाली एक क्वेश्चन है। मैं समझ सकती हूँ आपके दिल में, आपके परिवार में एक कितनी बहुत दुख वाली एक जो भी घटी है, पर वो जो भी हुआ था हो गया था, उन्हें आप प्यार दीजिए और एक्सपेक्ट करिए, और उन्हें साथ ही साथ जो लाइफ मिली है इनसे आगे के टाइम ही कर सकते हैं, जो हो गया है उसे कुछ नहीं कर सकते, बस यही। और जो अभी स्ट्रीम देख रही है, प्लीज मेरे प्यारे सनातनी, आप लोग इस तरह किसी अब्दुल को बिल्कुल बिलीव ना करना, और अगर बिलीव ही करना है, बहुत ही प्यार है ना, तो उसको पहले काफिर बना लो, देखते हैं कौन सा, तब पता चली जाएगी। मैं आपका बस एक मिनट और लूंगा, ये सिर्फ लड़कियों में नहीं, मैं लड़के का भी एक केस बताता हूँ। इट्स नॉट लव जिहाद एक्चुअली। मेरे स्कूल में मेरे साथ एक लड़का था, ही वॉज फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली बट एजुकेटेड फैमिली। लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा था, उसने IIT क्रैक किया था, आप सोचिए, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। कैसा किस हिसाब से पढ़ने में अच्छा है वो लड़का। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल बास्केटबॉल खेलता था बंदा, पढ़ाई में ऑलराउंडर, खेल में ऑलराउंडर, IIT फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने क्रैक किया। बॉम्बे IIT से उसने पढ़ाई करी, उसने केमिकल इंजीनियरिंग की बॉम्बे IIT से। उसके बाद उसको सऊदी में जॉब लगी, सऊदी गया बंदा, उसका फेसबुक का पूरा कहानी चेंज, उसने दाढ़ी बढ़ गया उसके, वो छोटे छोटे पैंट पहनने लगा, फिर फेसबुक में वो अजीबोगरीब वीडियो शेयर करने लगा। तो हमारे फ्रेंड ग्रुप ने तो उसको हटा दिया कि यार इससे को फेसबुक से हटाओ, नहीं तो साला कल के डेट में ये फट जाएगा तो अपने ऊपर केस बन जाएगा। आज के डेट में वो तिहाड़ जेल में है। ही वॉज लिंक्ड विद अलकायदा। कुछ साल पहले स्कॉटलैंड में ग्लासगो में एक ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मिनी वैन में गैस सिलेंडर लेके बंदा घुस गया था स्टेशन में। उस बंदे की बहन से इस बंदे ने शादी करी थी सऊदी में, और ये बंदा आज के डेट में जो भी स्टूडेंट्स होते हैं ना यहाँ पे पढ़ाई लिखाई पे, मैं एक बात बोलती हूँ, जिसके दिमाग ना मेंटली बहुत कमजोर होती है, तो वही लोग ज्यादा ही ना इस तरह के चंगुल में फंस जाते हैं। तो अपने अपने आपका दिमाग ना किस दुनिया में किसी का हाथ में ना डालना, मतलब खुद का दिमाग खुद चलाओ। एक बार गिर जाओगे, दो बार, 10 बार गिर जाओ, लेकिन दिमाग खुद का मालिक खुद बनो, किसी और का दिमाग से ना चलना, पपेट ना बनना, मैं इतना ही बोलूंगी।